नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आइए देखते हैं, हमारे पास दो समीकरणें दी हैं। तो सबसे पहला जो काम है बच्चों, वो है a1 a2 b1 b2 और c1/c2 निकालना। उससे पहले हम देखेंगे, यदि x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, y के पहले भी कुछ नहीं लिखा है तो 1, और कहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं a1/a2। आइए, a1/a2 ये किसके बराबर होगा? a1 है x के साथ 1, a2 है x के साथ 2। इसी प्रकार से निकालो b1/b2। b1 है y के साथ 1, b2 है y के साथ 2। c1/c2, c1 है 5, c2 है 10। ये तो पता है ना, x के साथ वाला a, y के साथ वाला b और बिना x y वाला c, ठीक है। तो पहली रकम में a1 b1 c1, दूसरी रकम में a2 b2 c2, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसमें से क्या कुछ कट सकता है। देखिए, ये तो 1/2 है, ये आपस में किसी पहाड़े में नहीं कटेंगे। ये भी 1/2 है, मिनिमम है, नहीं कटेंगे। यहाँ पर ये 5 है, ये 10 है, ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 पे 5 के पहाड़े में कट के बच जाएगा 1/2। अब इससे क्या होगा, a1/a2 भी हमारे पास आया है 1/2, b1/b2 भी हमारे पास आया है 1/2, c1/c2 भी हमारे पास आया है 1/2। तो इसका मतलब a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के। आइए अब हम एक बार रैखिक युग्मों वाली जो जो टेबल था उसको देखते हैं ध्यान से। हमारे पास आया है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, और यदि ऐसा हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं होती हैं संपाती, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसीलिए, क्योंकि इनके हल हैं इसलिए यह संगत युग्म होता है, यदि हल ना हो तो असंगत युग्म होता है। हमारे पास तो जो आ रहा है वह अपरिमित रूप से अनेक हल, इसलिए संगत, ठीक है। तो आप यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। तो यह युग्म संगत है या असंगत? संगत है, ठीक है, यह युग्म संगत। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है पहले तो पता करो कि संगत है या असंगत। तो याद रखना, जिसका सॉल्यूशन ना आए वो असंगत, जिसका सॉल्यूशन आ जाए, जिसका हल आ जाए वो संगत। तो अब ये संगत है, हमें कहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपको याद है ना, पिछले प्रश्नों में हमने ग्राफीय विधि से हल किया है। तो ग्राफीय विधि क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है x+y = 5 और 2x+2y = 10। ग्राफीय विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनकी इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। इक्वेशंस बनाने के लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये x+y = 5 है, तो x किसके बराबर होगा, 5, y इधर प्लस हो रहा, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो x = 5 - y हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इधर देखें क्या हुआ, 2x, इसमें से 2 कॉमन ले लो, +y, 2x में से 2 बाहर चला गया, बाकी रह गया x, +2y में से 2 बाहर चला गया, बाकी रह गया y। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। क्यों लिखना है ऐसा, इसलिए लिखना है ताकि ये 2 इस 2 से कट जाए, ताकि ये 2 इस 2 से कट जाए। तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, हमारे पास बाकी बच जाएगा x+y = 5। यहाँ से x किसके बराबर आएगा, 5, y यहाँ प्लस हो रहा है, y यहाँ जाके माइनस हो जाएगा,
अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी है x बराबर 5 माइनस वाई, यहाँ भी है x बराबर 5 माइनस वाई। आमतौर पर हमारे पास अलग अलग इक्वेशनें आती हैं, इसलिए अलग अलग समीकरणें आती हैं, ये समीकरण अलग, ये समीकरण अलग, इसलिए हम अलग अलग टेबल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास एक ही समीकरण है, हमारे पास एक ही समीकरण है x बराबर 5 माइनस वाई, तो इसलिए इसका जो टेबल बनेगा वो भी एक ही बनेगा। ठीक है बच्चों, यदि दो समीकरण होते तो दो टेबल बनते, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस में किया है। यदि समीकरण एक ही है तो हम टेबल भी एक ही बना देंगे। ठीक है, आइए अब इसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। इसे ले लो x, इसे ले लो y। अब x बराबर है 5 माइनस वाई, तो कोशिश यह करनी है कि y हमने 5 से छोटा रखना ताकि वो 5 में से माइनस हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करता हूँ, पहले मैं y लेता हूँ 1। जब मैं y 1 लूंगा तो x कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई, y की जगह लिखो 1। 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, तो x कितना आ गया, 4। ठीक है, फिर से देखो, अब मैं y लेता हूँ, 5 से छोटा लेना बेटा, y लेता हूँ 2। ले तो आप बड़ा भी सकते हो, सिर्फ ग्राफ आपका आसानी से बन जाए इसलिए छोटा लेना। ठीक है, 5 माइनस y लेता हूँ मैं 2, तो x कितना आएगा, 5 माइनस y, y की जगह 2, तो 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस कर दे, कितना हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार से यदि मैं y लेता हूँ 3, तो x कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस किया, 2। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें बनाना है इसका ग्राफ, अब हमें बनाना है इसका ग्राफ, आइए देखते हैं। इसे हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं और ये हमारे सामने एक ग्राफ है।